उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जन्मे मुख्तार अंसारी को राजनीति विरासत में मिली थी। मुख्तार के पिता सुभान उल्लाह अंसारी वामपंथी थे और अपनी बेदाग छवि के कारण उन्होंने नगर पालिका का चुनाव निर्विरोध जीत लिया था, लेकिन मुख्तार की छवि अपने पिता से काफी अलग रही। अगले साल की शुरुआत में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। आगामी चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने बाहुबली मुख्तार अंसारी का समर्थन करने का भी ऐलान किया है और कहा है कि दोनों दलों के बीच हुए गठबंधन की तरफ से मुख्तार अंसारी का समर्थन किया जाएगा। सपा सुभाषपा गठबंधन द्वारा मुख्तार अंसारी का समर्थन किए जाने के ऐलान को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने नाराजगी जताई और कहा कि गुंडे माफियाओं को टिकट नहीं देने चाहिए। साथ ही उन्होंने सपा के साथ गठबंधन को लेकर कहा कि लगता है कि अखिलेश यादव को हमारी जरूरत नहीं है। पिछले दिनों मुख्तार अंसारी का समर्थन किए जाने की खबरें सामने आने को लेकर शिवपाल यादव ने सपा को जमकर निशाने पर लिया। शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी में टूट की वजह बने मुख्तार अंसारी को सपा में नहीं आने दिया। मुख्तार को पहले भी टिकट नहीं दिया गया था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी में किसी भी अपराधी को टिकट नहीं दिया जाएगा और यहां किसी भी माफिया की जगह नहीं है। इसके अलावा उन्होंने अखिलेश यादव से गठबंधन को लेकर कहा कि लगता है कि उनकी पार्टी को 400 सीटें मिल रही हैं, इसीलिए उन्हें हमारी जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि पिछले दिनों सपा के सहयोगी सुभाषपा के नेता ओम प्रकाश राजभर जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से मिलने बांदा जेल पहुंचे थे। मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से कहा था कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा और सुभाषपा गठबंधन की तरफ से मुख्तार अंसारी को समर्थन दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने इसको लेकर अखिलेश यादव से राय शुमारी किए जाने को लेकर कहा था कि जब अखिलेश यादव मायावती से गठबंधन कर सकते हैं तो फिर मुख्तार अंसारी को समर्थन देने में कोई समस्या नहीं होगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जन्मे मुख्तार अंसारी को राजनीति विरासत में मिली थी। मुख्तार के पिता सुभान उल्लाह अंसारी वामपंथी थे और अपनी बेदाग छवि के कारण उन्होंने नगर पालिका का चुनाव निर्विरोध जीत लिया था, लेकिन मुख्तार की छवि अपने पिता से काफी अलग रही। साल 1988 में पहली बार मुकदमा दर्ज होने के बाद मुख्तार ने कभी अपराधी की दुनिया का साथ नहीं छोड़ा। मुख्तार के ऊपर साल 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप लगा, लेकिन साल 2019 में दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में मुख्तार अंसारी और उनके साथियों को बरी कर दिया। वर्तमान में मुख्तार के ऊपर 50 से अधिक मामले सिर्फ उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं। मुख्तार 1996 से ही लगातार मऊ से चुनाव जीतते रहे हैं। साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में मुख्तार ने बसपा के टिकट पर चुनाव जीता था।